नमस्कार अधा सत अधा गप आज कहानी प्रभु श्रीकृष्ण संपृक्त श्रीकृष्ण अद्भुत लीला संपर्क में शिवपुराण में उल्लेख रही। द्वापर युगर महादेव और श्रीकृष्ण मध्य भयंकर युद्ध होता जहाँ पचरे कारण थी जन शिवभक्त राक्षस बाणासुर आज श्रीकृष्ण और महादेव से ही युद्धभूमि को नहीं जीव जो आज भी युद्धर प्रमाण मिले। लोकंर कहानुजाई से ही किला पाखे एक बस्ती रही जार ना हो राक्षस गाँ कहुए एठार आज भी बाणासुर वंशज मैंने रुहते लोकंर विश्वास अच्छी एम निकटे अच्छी स्वतंत्र शक्ति। पुराणर सबुठ बड़ युद्ध गोटे पटे महादेव अन्य पटे भगवान श्रीकृष्ण ए भयंकर युद्ध पछर कारण थिला जड़े राक्षस बाणासुर। पौराणिक कथा अनुसार द्वापर युगरे चली युद्ध शह शह वर्ष धरी चली शेषे जीतिले श्रीकृष्ण बध है बाणासुर किंतु शेष हलानी कहानी। देशर एही पर्वतमाला भितरे आज भी से कहानी बंचिछि एही परित्यक्त किल्ला भितरे एही नीरव नदी मध्यरे आउ एठारे थिबा कोड़िएटी गाँवें रहुथिबा हजार हजार बासिंदांक भितरे आज चलतु जीवा एभली एक स्थान को जहाँ को कह जाए राक्षस गाँ बाणासुर तो सर कोई राक्षस थोड़ी था, वो तो गोड़ी तो देवता था। कोई राक्षस की औलाद थोड़ी है, हम तो देवता की औलाद हैं। अगर हैं भी तो देवता की औलाद हैं, तो हमारा खून जो है वो ठंडा नहीं, हमारा खून गर्म है। आज चलतु जीवा बाणासुर वंशज को देखा करवा जहाँ को नहीं आज भी भय थरती आखपाख गाँर बासिंदा से तो कौन सी बाहर लोक ए गाँ को जीवाक आज भी से डरे जी आगु डरुला ए डर हजार हजार कहानी आज भी पुलिस स्टेशन रे रेकर्ड रही दशंधि पुराणा रहस्य। ए कहानी आमपाई भी एक अजूबा थी आमपाई भी विश्वास करने कठिन था जे बाणासुर वंशज आज भी अच्छा से बस्ती को राक्षस गाँ कम को कहगला सेठाकर बासिंदा कलह प्रिय शक्तिशाली आहुबली भितर एत राग भरी रही आखपाख अंचल लोके डरुंते सेठाक जावा पूर्व आमको अनेक चेतावनी मिलता कि सत्यर सन्धान आमको से गाँव में पहुंचाई आठने पहुंची आम जानवा को पाइलु सेठाकर बासिंदा बाणासुर को राक्षस नुहे बरम देवता बोली मानती कहा जाए सेठाकर बासिंदा को जो अद्भुत शक्ति मिली से सबू बाणासुर ही दार तेज चलतु आज जीवा देशर से ही रहस्यमय गाँ को भेटा बाणासुर वंशज को आजाक चेष्टा बाणासुर कुहुक किल्लार रहस्य कौन। राक्षस गाँ बाणासुर असली वंशज जदि एभली दाबी होउछि तेबे एहा पछरे किछि त कारण थिबो सेमाने किभली देखा जाउथिबे से माटी रे एभली कौन खास रहिछि जे छोटो छोटो पिला भी एठारे गरम मिजाज रो होइ थांती काहे कि कौनसी लोक सेठाकु जिबाकु डरि थांती ए सबु प्रश्नर उत्तर लुचिछि सेठारे थिबा पुरातन किल्लारे एभली एक किल्ला जिए कि श्रीकृष्ण सबुठ बड़ युद्धर प्रमाण। नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आज हम मौजूद हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड को देवों की भूमि कहा जाता है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस प्रदेश में आज भी एक इलाका ऐसा है जहां पर राक्षसों के वंशज रहते हैं, तो शायद आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे इलाके पर लेकर चलेंगे जहाँ एक ऐसे राक्षस ने राज किया था
जो त्रेता युग में भगवान राम के सामने भी मौजूद था और द्वापर युग में भगवान कृष्ण के सामने भी। एक ऐसा राक्षस जिसके पास असीम शक्ति थी और जिसने श्री कृष्ण से ऐसा युद्ध किया था कि आज भी इस इलाके की जमीन लाल है। आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जो खुद को राक्षस का वंशज मानते हैं और उन्हें इस बात पर गर्व है। बाणासुर वंशजों संपर्क में जानवा पूर्व बाणासुर संपर्क में जानवा निहाती जरूरी थिला। पोती ने एक दिन रात में स्वप्न देख लिया था। सपने में उसने अनिरुद्ध को देखा, फिर उसको देखा तो उसको फिर चैन नहीं पड़ा, तो अपनी सहेली चित्ररेखा को बुलाया, बोला दोस्त तू मेरा काम कर दे, इसको ढूंढ निकाल। असुर की बेटी उषा को सपने में दिखाई देने वाले युवक से प्रेम तो हो गया, लेकिन परेशानी ये थी कि उसको ये नहीं पता था कि वो आदमी उसे मिलेगा कहाँ। यहाँ उसकी मदद की उसकी सहेली चित्रलेखा ने, जिसने उनकी सोच के मुताबिक उनको चित्र बनाकर दिखाया और आखिरकार वो चेहरा सामने आ ही गया जिससे उषा को प्यार था। ढूंढने के लिए तो वहाँ देखा तो डरे, बोला कहाँ अनिरुद्ध कहाँ फंस गया तो यहाँ। उसने कहा बाबा जी ऐसे ऐसे में रात में लोग मेरे को यहाँ ले आए हैं, तो फिर उसने कहा चुप रहो अब, किसी को बताना नहीं है, मैं सीधा जाता हूँ द्वारिकापुरी, वहाँ से मैं सेना को लेकर के कृष्ण को लेकर के तेरे को लेके आऊँ। कहा जाए बाणासुर राजधानी थिला उत्तराखंड यही पर्वत घेरा अंचल, आउ पुराण सबुठ बड़ युद्ध भी यही अंचल देखी, जार प्रमाण आज भी बाणासुर किल्लारे देखा मिले। बाणासुर के किले के पास से बहने वाली यही लोहावती नदी है जिसके नाम पर इस पूरे इलाके को लोहा घाट कहा जाता है। आज इस नदी का पानी बिल्कुल निर्मल है, लेकिन लोगों की मान्यता है कि युगों पहले जब भगवान कृष्ण और बाणासुर के बीच युद्ध हुआ था तो इतना ज्यादा कत्लेआम मचा था कि ये पूरी नदी लहू में तब्दील हो गई थी और तभी इसका नाम लहुवती पड़ा था जो बाद में बिगड़कर लोहावती हो गया। ये नदी गोटे पटे रही बाणासुर किल्ला, आउ गोटे पटे से ही जनबसती जेउठी रहुछंती बाणासुर वंशज, जहाँ को स्थानीय बासिंदा राक्षसों गाँ कही था। ब्रेक पर आपण को साक्षात हेब बाणासुर वंशजों सहित, सेमान शक्ति सहित आपण को आगरे थी से किल्ला जेउठी श्रीकृष्ण लड़ी सबुठू बड़ युद्ध। आपण देखुं राक्षसर गाँ ए समय हो विरतिर विरति पर भी जारी रधा सत अधा गप। विश्वास हो नथुला द्वापर युगरे श्रीकृष्ण सहित युद्ध करिथिबा बाणासुर वंशज आज भी बंचिछन्ति। कुहा जाए बाणासुर वंशजंकर क्रोध और शक्ति बाहुबल एत शक्तिशाली थिला जे साधारण लोके सेमानक पाखुकु जिबाकु भय करन्ते। आमे जेउ पर्यंत से गाँवें प्रवेश करिनथिलु सेतेबेला पर्यंत आमकु केवल एक गुजब लागुथुला, किंतु सेठारे पहुँचिबा परे सते जेपरि पुराणर सबु कहानी आम पाई अपेक्षा करि रहिथिला। आमको से किला आज भी देखा मिलला जे श्रीकृष्ण सहित से युद्धर प्रमाण आज सुरक्षित अवस्था रही। से शिव धाम भी मिलला जो भगवान शिव बाणासुर को अजय होवार बर देते। आम से सह भी देखा कलु जहाँ को बाणासुर वंशज बोली कहुचे। आउ किसी समय पर राक्षस गाँव अद्भुत चित्र आपण को आगे थी। ये भैया डंडा रखा है आज मैंने, जो भी आएगा जो भी इसको लांघने की कोशिश करेगा उसकी हमने जम के पिटाई करनी है। ठीक है भाई, प्लान तो अच्छा है भाई। मझी रास्ता रे एक बाड़ी रखी लोगों को अपेक्षा, जिए बाड़ी देइबो ता सह छगड़ा। हां भैया क्यों लांघी तूने लकड़ी? क्या हो गया रास्ते में तो लकड़ी पड़ी रहती है। दादा हीरो बन रहा नोडेले भी छगड़ा बिना कोनोसी कारण रे लढई करबा। आउ झगड़ार कारण पचारे से ही गोटे उत्तर, आमे बाणासुर वंशज आमे राक्षस गाँव में रहू। बाणासुर तो सर कोई राक्षस थोड़ी था, वो तो वो भी तो देवता था, कोई राक्षस की औलाद थोड़ी है ये, हम तो देवता की औलाद हैं। अगर हैं भी तो देवता की औलाद हैं हम, तो हमारा खून जो है वो ठंडा नहीं, हमारा खून गर्म है। एवे पर्यंत जहाँ भी देखलु से सबू केवल नाट्य रूपांतर थिला, असली कहानी तो आमे एबे देखिबा को बाहरी थिलु।
बाणासुरंक वंशजंक संधान पाई आमकु जिबाकु थिला लोहाघाटर तिसंग गाँ ए गाँवर विचित्र ना सह भी जोड़ी होई एक कहानी ए अंग माने हिंदी रे बिस अंग जहाँकि अपभ्रंश होई विसंग होई से स्थान को जीवा पूर्वर बाटरे पड़ा एही सुंदर पर्वत कहुए पाग भल थे एठारु देखा जाए कैलास पर्वतर छलन। बाणासुर भगवान शिव का कितना बड़ा भक्त था इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो रोजाना यहाँ अपने किले से दूर हिमालय में कैलाश पर्वत तक उनकी आराधना के लिए सुबह और शाम जाया करता था। आपको इस वक्त कैलाश मानसरोवर यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि पीछे पहाड़ों में बहुत ज़्यादा धुंध है और बारिश हो रही है, लेकिन जैसे कि मान्यता है कि उसकी इसी आराधना और भक्ति से खुश होकर भगवान शिव ने उसे अजय रहने का वरदान दिया था। आम को कहगला निकटने से ही शिव मंदिर रही जोठी स्वयंभू रूप से विराजित महादेव भाविलु बाणासुर वंशजों को भेटा आगर ए अद्भुत शिवधाम दर्शन करू। नमस्कार पंडित जी। पंडित जी बाणासुर वाला जो शिव मंदिर है वो कहाँ पर है? ये इसके ऊपर रास्ता है, यहाँ से ऊपर रास्ता की गाड़ी नहीं जाएगी? गाड़ी नहीं जा पाएगी सर। कितनी दूर है यहाँ से? 20 किलोमीटर लगभग ना, 20 मिनट का रास्ता है यहाँ। 20 मिनट का जी सर। तो दिखा दीजिए रास्ता हमको। चलिए आपको दिखा देते हैं, चलो आइए। मंदिर और पुजारी सह आम चली चली मंदिर अभिमुखे बाहर। बाणासुर भी तो बहुत बड़ा शिव भक्त था। अरे इनकी तो 10,000 हाथ है, 1,000 हाथ है इसकी। किसके? बाणासुर के। जी सर। कंचा माटी रो रास्ता स्पष्ट भावे कहुथिला एठारे थिबा शिवंक संपर्क रे आज भी मनुष्य जानिनी। एठाकार बासिंदांक मतरे एठारे थिबा शिवलिंग सेतिकि शक्तिशाली जेतिकि महादेवंक अन्य ज्योतिर्लिंग। किछि समय चलिबा परे आमे सही मंदिर पाखरे पहुंचिलु। परिवेश पूरा शांत थिला, लागुथिला जेमिति एठिकी किछि हात गणती लोक आसुछन, किंतु भितरकु आसिलु तो महादेवंक एभळी एक रूप देखिलु जहाकि भारतर कौनसी प्रांतरे भी देखिबाकु मिलेनी। एठारे थिबा महादेव लिंग रूपरे नुहे मूर्ति रूपरे पूजा पाई थांती। ए स्वयं स्वयं भू यहां आकर के विराजमान है, इसमें हमारी और आपकी कोई कल्पना नहीं है। दाबी अनुसारे बाणासुर को वरदान देबाकु स्वयं महादेव एठाकु आसीथिले। बाणासुर जो था हमारे सामने, जो सर अगर आप देखें तो सामने की तरफ हिमालय की जो श्रेणियाँ दिखाई दे रही हैं, तो यहाँ से नित्य रोज सुबह और शाम दो टाइम वो पूजा करने, भगवान शिव की आराधना करने जाता था। तो भगवान शिव की जब काफ़ी लंबे समय तक जब उसने पूजा अर्चना की तो भगवान शिव उससे खूब प्रसन्न हुए। तो भगवान शिव ने कहा कि तू यहाँ रोज आ रहा है, इतनी दूर आ रहे हो तो क्या क्यों नहीं आप मुझे वहीं ले जाएं अपनी जगह जहाँ आपका निवास है। तो बाणासुर इससे बहुत प्रसन्न हुआ और बाणासुर भगवान शिव को शिवलोक से हिमालय से आपके सामने जो हमने अभी आपको मंदिर दिखाया वहाँ उनकी स्थापना की थी। शिवंकर एही विचित्र रूप को क्यमेरारे कैद करिबा परे आमे आगकु बढ़िलु। आमर आगामी लक्ष्यस्थली थिला लोहाघाटर उच्च पर्वतरे थिबा बाणासुरर किल्ला, अर्थात श्रीकृष्ण और बाणासुरंक युद्धर रणभूमि। बाणासुर के वंशजों की तलाश में हम दिल्ली से 550 किलोमीटर दूर लोहाघाट पहुंच चुके हैं और लोहाघाट में पहुंचते ही जिस चीज़ पर सबसे पहली नज़र आपकी पड़ती है वो है एक ऊंची पहाड़ी पर बना बाणासुर का किला। ये वो रास्ता है जो हमको करीब 4 किलोमीटर पैदल चलकर बाणासुर के उस किले तक ले जाएगा जहां पर उसने श्री कृष्ण से युद्ध किया था। बाणासुर की कहानियों में बहुत सारे पेंच हैं, लेकिन उन सारी पेंचों को, उन सारे तत्वों को तलाशने के लिए हमें मुश्किल लंबी चढ़ाई, करीबन 5 किलोमीटर की लंबी चढ़ाई हमको करनी पड़ेगी और तब हम उस किले तक पहुंच सकेंगे। चलिए। किला को जोड़ुवा ये माटी रास्ता रे आमको बहुत बाट चलिबाकु थिला। आमको कुहागला देशरे बहुत कम लोक ए किला संपर्क रे जानिछन्ति, सेथिपाई एठाकु किछि हात गणति पर्यटकंक सह बाणासुरंक वंशज ही आसी थांती।
हम करीब आधी चढ़ाई पूरी कर चुके हैं, लेकिन ये चढ़ाई इतनी ज़्यादा थका देने वाली है कि हमको बार बार रुकना पड़ रहा है। मैं आपको यहाँ दिखाऊँ तो आपको सारे गांव जो बाणासुर के इस किले के आसपास बसे हुए हैं वो आपको दिखाई देंगे मेरे पीछे, जहाँ पर माना जाता है कि बाणासुर के वंशज आज भी रहते हैं। इन गाँव के बारे में एक बात और बहुत ख़ास है कि गाँव के लोगों के संबंध आसपास के गाँव वालों से बिल्कुल ना के बराबर हैं। କିଛି ବାଟ ଗଲାପରେ ଆମ ସହ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭେଟ ହେଲା। ପଚାରିବାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ସେ ନିଜେ ବି ଜଣେ ବାଣାସୁରଙ୍କ ବଂଶଜ, ମାନେ ସେହି ଜନବସତିର ଜଣେ ଅଧିବାସୀ ଯାହାକୁ କି ରାକ୍ଷସଙ୍କ ଗାଁ କୁହାଯାଏ। ଇଏ ବତାଇଏ ଯହାଁ ପର ଯୋ ବାତ ହୋତି ହେ କି बाणासुर के वंशज आज भी मौजूद हैं। हाँ जी, हाँ। तो आप क्या इन्हीं गांवों से संबंध रखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं फर्तियाल हूँ। यहाँ चार वंशज हैं, फर्तियाल हैं, मेहरा हैं, देव हैं और ढेक हैं। सर जी, हम लोग पूरे बाणासुर के उससे ताल्लुकात रखते हैं। इसमें हमें कोई एतराज़ नहीं है कि हम मतलब इसके वो नहीं है। जैसे कहा जाता है कि बाणासुर राक्षस था, लेकिन नथिंग, वो तो एक शिव भक्त भी तो था। हमारे लिए आज भी वो है, और हमारा जो यहाँ का पूरा समाज है वो बाणासुर को एक बहुत उससे नजरे से देखता है, न कि राक्षस के उससे। चलिए तो हमको आप किला दिखाइए। चलिए सर। मनरे एक विचित्र प्रश्न नहीं आम आग को बढ़िलु, जदि बाणासुर वंशज देखा अन्य साधारण लोकों पर तेरे से नहीं लोकों मनरे एत डर कहीं आम को कहगला तार उत्तर आमको गाँ को गले ही जमापड़ यार भितर आम चली चली से ही पुणा किला पाखे पहुँचीगलु। आउ किल्ला आगरे ही एक बोर्ड थिला जेउठे निजे प्रत्नतत्व विभाग भी मानिछि ए हेउछि बाणासुरर किल्ला जहाकु मध्ययुगरे चंद्रवंशीय राजा निर्माण करिछन्ति। आमे पहुँच सारिथिलु सेही किल्ला पाखरे जहाँ संपर्क रे हुए तो अल्प किछि लोक जानिथिबे, किंतु एहा सहित पुराण ओ किंबदंतीर एभळी कहानी जोडा होइ रहिछि जहाँ आमकु अधिक उत्साहित करथुला। आमकु भी इच्छा हेउथुला से ही किला संपर्क में अधिक जानवापी जो बाणासुर और भगवान श्रीकृष्ण मध्य भयंकर युद्ध होता से कौन एमती प्रमाण अच्छी जहाँ पुराणर कथा को सत बोली प्रमाणित करसबू प्रश्नर उत्तर आम आपण को जनइबु, कि आपण को आसंता सप्ताह पर्यंत अपेक्षा करने को पड़ तेनाली विदाय दिंतु। नमस्कार।